जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की वबा फैली हुई है और लॉकडाउन का सिलसिला जारी है हमारे इंडिया में। तो उस वजह से जो हम महफिल करते थे इन माहे मुबारक में, जो हमारे महीने हैं कि जिनमें महफिलें हुआ करती थी, 3 शाबान की, 4 शाबान की, 15 शाबान की महफिलें, वो इस मरतबा हम लोग उस पैमाने पे नहीं कर पाए, उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो लिहाजा मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ सिरसी सादात अज़ादारी टीम का कि जिसने ये मौका दिया है हम सब शुरा को और उलमा को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने अशार पेश करें और लाइव जश्न के तौर पे लोगों तक हमारी बात, हमारे अशार पहुँचाए हैं और इस सवाब में हमें शरीक किया है। तो बड़ा मुस्तहसन अमल है सिरसी सादात अज़ादारी का, और जितने भी इस टीम के लोग हैं मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा उन सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। चूंकि इमाम ज़माना के हवाले से मुझसे कहा गया है कि कुछ अशार पेश करूँ, सबसे पहले मैं क़त पेश करता हूँ और फिर एक छोटी सी मनकबत पेश करूँगा, मुलायजा फरमाए। पेश करता हूँ कि मेरे लब पर सदाए अल अजल है, मेरे लब पर सदाए अल अजल है, मेरा मौला नजर आता नहीं है। मेरे लब पर सदाए अल अजल है, मेरा मौला नजर आता नहीं है। जवाब आया कि तेरे पास हैं हम, जवाब आया कि तेरे पास हैं हम, फराज अब तू यहाँ तन्हा नहीं है। जवाब आया कि तेरे पास हैं हम, फराज अब तू यहाँ तन्हा नहीं है। हजरत एक मनकबत के चंद अशार और पेश करता हूँ, मुलायजा फरमाएं। पेश करता हूँ कि मतलब हाजिर है कि खुदा के जिन पा दुरूदो सलाम आते हैं, खुदा के जिन पा दुरूदो सलाम आते हैं, जहां में आज वो आली मकाम आते हैं। खुदा के जिन पा दुरूदो सलाम आते हैं, जहां में आज वो आली मकाम आते हैं। और शेर देखें कि रहे हयात में मुश्किल मकाम आते हैं, रहे हयात में मुश्किल मकाम आते हैं, मगर इमाम हमेशा ही काम आते हैं, मगर इमाम हमेशा ही काम आते हैं। और ये भी शेर देखें कि हैं अस्करी के चमन के वो बेमिसाल गुलाब, हैं अस्करी के चमन के वो बेमिसाल गुलाब, बहारे खुल्द के जिनको पयाम आते हैं। हैं अस्करी के चमन के वो बेमिसाल गुलाब, बहारे खुल्द के जिनको पयाम आते हैं। और ये भी शेर देखें कि कराएंगे वही तामीर रोज़े ज़हरा, कराएंगे वही तामीर रोज़े ज़हरा, ठहर ए फितने बातिल इमाम आते हैं, ठहर ए फितने बातिल इमाम आते हैं। और पढ़ेंगे ईसा मरियम भी जिनके पीछे नमाज, पढ़ेंगे ईसा मरियम भी जिनके पीछे नमाज, वो इब्ने फातिमा आली मुकाम आते हैं, वो इब्ने फातिमा आली मुकाम आते हैं। और मैं जब भी देता हूँ आवाज मुश्किलों में उन्हें, मैं जब भी देता हूँ आवाज मुश्किलों में उन्हें, मेरी मदद को हमेशा इमाम आते हैं, मेरी मदद को हमेशा इमाम आते हैं। और पए सलाम निकल आई मछलियां बाहर, पए सलाम निकल आई मछलियां बाहर, सुना जो ले के अरीजे गुलाम आते हैं, सुना जो ले के अरीजा गुलाम आते हैं। और शेर देखें कि मैं इसलिए भी हूं मुश्ताक मौत का अपनी, मैं इसलिए भी हूं मुश्ताक मौत का अपनी, सुना है कब्र में मिलने इमाम आते हैं, सुना है कब्र में मिलने इमाम आते हैं। और ये शेर भी सुने कि खुलूस से जो कहे उनकी मदह में अशआर, खुलूस से जो कहे उनकी मदह में अशआर, तो फिर इमाम भी सुनने कलाम आते हैं, तो फिर इमाम भी सुनने कलाम आते हैं। और ये एक कतबंद है हजरात, और इसमें एक पैगाम है तमाम मोमिनीन के लिए, खसूसा नौजवान भाइयों के लिए एक पैगाम है। अगर हम अपना किरदार ऐसा कर लें कि जैसा हमारे इमाम चाहते हैं, तो फिर हमें इमाम को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि बकौल अल्लामा तबतबाई खुद इमाम हमसे मिलने आ जाएंगे। हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए, पैगाम है। देखें मैं कहां तक कामयाब हुआ हूं, आपकी अदालत में यह कत पेश करता हूं कि अली के इश्क से सरशार हो जो सारा वजूद, अली के इश्क से सरशार हो जो सारा वजूद, जबान कट के भी मौला के नाम आते हैं। अली के इश्क से सरशार हो जो सारा वजूद,
زبان کٹ کے بھی مولا کے نام آتے ہیں جو مثل میسم تمار کوئی ہو جائے، جو مثل میسم تمار کوئی ہو جائے تو خود غلام سے ملنے امام آتے ہیں، جو مثل میسم تمار کوئی ہو جائے تو خود غلام سے ملنے امام آتے ہیں۔ اور مقطع حاضر ہے کہ سنا ہے اہل سخن کی سجی ہے بزم فراز، سنا ہے اہل سخن کی سجی ہے بزم فراز، تو ہم سنانے کو اپنا کلام آتے ہیں، تو ہم سنانے کو اپنا کلام آتے ہیں۔